हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट थर्ड, दैट इज़ रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज एंड रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज। तो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एजुकेशन का रोल आप सोशल चेंज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन इज़ रिगार्डेड एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। इट इज़ एजुकेशन दैट ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज इन मेंटल, मॉरल, कल्चर और सोशल माइंडसेट। क्योंकि एजुकेशन ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोशल, कल्चरल माइंडसेट, मेंटल, मॉरल माइंडसेट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। बिसाइड डिसेमिनेटिंग नॉलेज, एजुकेशन कैन एक्सरसाइज सोशल सेंटर, प्रोपिगेट कल्चर एंड दस इनकरेज सोशल प्रोग्रेस। तो एजुकेशन की वजह से हम ये सारे चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं। एजुकेशन, देर आर ऑलरेडी सफिशेंट एक्सेप्टेड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं या जो रोल हैं सोशल चेंज में, उसमें हम देखते हैं। एजुकेशन प्रपेचुएट इटर्नल वैल्यूज़। एजुकेशन क्या करती है, लंबे समय तक इटर्नल वैल्यूज़ को क्या करके रखती है, कायम करके रखती है। बेसिकली प्रिपेचुएट का मतलब होना मतलब होता है किसी चीज़ को लंबे टाइम तक आप मेंटेन करके रख पाओ, कंटिन्यू करके रख पाओ, तो उसे प्रिपेचुएट बोलते हैं। इटर्नल वैल्यूज़, दिस एज सोसाइटी हैज़ सम इटर्नल वैल्यूज़ विच स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेटेड एट सर्टेन क्रिटिकल टाइम्स। एजुकेशन प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज़, सेव्स देम फ्रॉम परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंजेस एंड प्रमोट देम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्रिटिकल टाइम के पास टाइम के द एजुकेशन प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज़ एंड सेव्स फ्रॉम द परनीशियस इफेक्ट। सोसाइटी के जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, हम एजुकेशन की वजह से ही प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स, राइट। एजुकेशन प्रोटेक्ट कर सक प्रिजर्व और प्रमोट द मोरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी। प्रमोट कैपेसिटी टू वेलकम सोशल चेंज। एजुकेशन में वो पार है, वो मैंटेलिटी है जो लोगों को पॉजिटिव चेंज को वेलकम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या इनकरेज कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रमोट कैपेसिटी टू वेलकम सोशल चेंज, अगर हम एक एजुकेटेड पीपल हर एक प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करके बोलता है कि दैट थिंग इज़ गुड फॉर अस और बैड फॉर अस, बिसाइड दिस कि बिना सोचे समझे किसी पर भी रिएक्ट करना। तो इसी वजह से अगर हमारे पास नॉलेज आगे पहले से ही नॉलेज होगी, तो हम उस सोशल चेंज को अच्छे से वेलकम कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवेल्युएशन ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड लेज डाउन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया फॉर डिजायरेबल सोशल चेंज। हमारी एजुकेशन है वो इवेल्युएट कर सकती है उस सोशल चेंज को, राइट, एंड लेज डाउन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड चाहिए वो उसके बारे में भी हमें बता सकती है। क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, कैसा विजन है हमारा। बेसिकली दिस लीड्स टू द रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इवेल्युएशन ऑफ सोशल चेंज। अगर उसमें कोई कमी होगी तो वो ट्राई करेगी, अगर एजुकेशन होगी तो हम उस कमी को रिमूव करने के लिए, जो सोशल चेंज की वजह कॉज कर सकती थी या हार्म कर सकती थी, उस चेंज को दूर कर सकते हैं, उस डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। एड्स कमिंग ऑफ न्यू सोशल चेंज को हेल्प कर सकती है नए सोशल चेंजेस को आने में। द एजुकेशन रिमूव सोशल इवेल्स, ब्लाइंड कस्टम्स और ट्रेडिशंस। हम क्या करते थे, जब साइंस नहीं होती थी तो हम सुपरस्टिशंस पे बहुत बिलीव करते थे, जैसे चांद का ना निकलना अमावस के दिन, तो हम सोचते थे कि कहीं भगवान हमसे नाराज़ हो गए, राइट। तो उस तरह से ह्यूमन क्या उस तरह से ह्यूमन की परसेप्शन बन गई थी कि जब भी कुछ बुरा होता था या समुंदर की लहरों का ऊपर जाना ड्यूरिंग पूर्णिमा इज़ कंसिडर्ड एज अपशगुन, है ना, वो कंसिडर करते थे। तो ये सब क्या, ये सारी हमारी जो इविल थिंकिंग है, जो भी बैकवर्ड थिंकिंग जिसे हम कह सकते हैं, ये सब कैसे रिमूव हुई, क्योंकि हम अब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना शुरू हो गए, हमारे पास रैशनल थिंकिंग आ गई, लॉजिकल थिंकिंग आ गई कि हर एक फिनोमिना ऐसे ही अक्कर नहीं कर रहा, कुछ पीरियडिक मोशन हो रहा है, राइट। तो उसी तरह से ये नए सोशल चेंज को आने में हेल्प प्रोवाइड करती है। दीज सोशल चेंजेस विल प्रूव यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, थ्रू इट्स फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जनरेशन टू जनरेशन, एजुकेशन लेंड्स स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी टू द सोसाइटी। एजुकेशन ट्रांसमिशन क्या हो रही है, हमने पहले भी बोला था, अगर हमारे पास, अगर हम सोशल चेंज को या फिर हम
कोई भी चेंज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कल्चर को भी अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हम किसको यूज़ करते हैं, एजुकेशन को ही यूज़ करते हैं टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसीलिए अगर पॉजिटिव सोशल चेंज है तो वो भी हम एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी में ला पाएंगे। एजुकेशन इज़ इनफैक्ट कंजर्वेटिव कंसोलिडेटिंग और स्टेबलाइजिंग फोर्स, इन एडिशन इट इज़ अ क्रिएटिव फोर्स एज वेल। नो डाउट वो कंजर्वेटिव है, उसका कुछ अपना करिकुलम होगा, कुछ रिजिडिटी होगी, बट स्टिल इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव एज वेल। तो इसके अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू ट्रांसमिट द सोशल वैल्यूज एंड आइडियल्स टू द यंग एंड केपेबल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। तो एजुकेशन का सोल मोटिव क्या होना चाहिए, टू पास ऑन दी पॉजिटिव वैल्यूज टू दी यंग माइंड्स, आइडियल्स जो हमारी थॉट पॉजिटिव हैं उसको ट्रांसमिट करना। एजुकेशन अबाउट सोशल चेंज, एजुकेशन इम्प्लॉयज वेरियस मेथड्स टू प्रमोट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल अबाउट सोशल चेंज अकरिंग इन द सोसाइटी। दिस प्रोसेस इनलार्जेस द होराइजन ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन इज ऑल अबाउट सोशल चेंज। अगर हम प्रमोट करते हैं नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को लोगों के बीच अबाउट सोशल चेंजेस अकरिंग इन द सोसाइटी, कि ये चेंज होना चाहिए, दिस प्रोसेस इनलार्ज द होराइजन ऑफ द पीपल। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये चीज़ हमें सोसाइटी में चाहिए थी, ठीक, तो उस हिसाब से लोग ज़्यादा जो अवेयर होंगे अपने उस चेंज को लेके, उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, एजुकेशन की वजह से ही हो पाएगा। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, जैसे कुछ भी नए रिफॉर्म्स वगैरह आना तो डेफिनेटली उनको क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बहुत फ़र्क होता है। कंस्ट्रक्टिव क्या होगा कि हाँ ये चीज़ सही है, हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये फ्लॉज हैं। अगर वो फ्लॉज रिमूव हो जाएँ तो उस चीज़ को, उस चेंज को लाने में कोई बुराई नहीं है। तो उसी तरह से हमारी एजुकेशन के अंदर वो पार है कि हमें वो अनबायस्ड थिंकिंग प्रोवाइड करना, राइट। तो दैट्स व्हाई इट एबल टू रिमूव द कॉम्प्लेक्सेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल विच ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ चेंज। जो लोग इस चेंज को आने से रोक रहे हैं, उनके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना, उनके माइंड को थोड़ा सा फोकस करना कि ये चेंज कितना ज़रूरी है, दिस चेंज इज यूजफुल फॉर अस। इंक्रीजिंग द एरियाज ऑफ द नॉलेज, एजुकेशन इंक्रीज द एरिया ऑफ नॉलेज एंड ओपन न्यू डोर्स फॉर डिपर एंड डिपर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चेज। दिस एजुकेशन प्रिपेयर ग्राउंड फॉर द एडवेंट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज ब्रिंग्स इन मैनी न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशन इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से ही हमारी रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रही हैं। अगर रिसर्च ज़्यादा हो रही हैं तो हमारी सोसाइटी एक पॉजिटिव या प्रोग्रेसिव चेंज शो कर रही है, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस पहले एक व्हील की इन्वेंशन से हमने कितनी चीज़ें डेवलप करी, राइट। तो उसी तरह से एक छोटा सा चेंज, वो किस वजह से, एजुकेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं, वो पॉजिटिव चेंज। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किसकी वजह से हो रही है, एजुकेशन की वजह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं। लीडरशिप रोल इन सोशल चेंज, लीडरशिप का रोल क्या है, बाय प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक फीलिंग प्रोग्रेसिव एटीट्यूड इन पीपल, एजुकेशन मेक्स देम कैपेबल टू इनिशिएट एंड गाइड द नीडेड सोशल चेंज बाय फाइटिंग अगेंस्ट सोशल इविल्स, कस्टम और ब्लाइंड ट्रेडिशन। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन का रोल है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड लीडर, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होती है किसी भी चीज़ के बारे में, यू आर एबल टू, यू हैव मोर देन इनफ कॉन्फिडेंस टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू सम अनदर पर्सन एज वेल। इस तरह से अगर आप एक को वो नॉलेज प्रोवाइड करोगे, वो आगे दूसरे को करेगा, तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में एक चेंज आ जाएगा। तो उसी तरह से एक लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप रोल भी सोशल चेंज के लिए बहुत नेसेसरी है, जो एजुकेशन के थ्रू ही मिल सकता है, नॉलेज के थ्रू ही मिल सकता है। मदर एज अ न्यू चेंजेस, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मदर एज अ न्यू चेंजेस, एजुकेशन गिव बर्थ टू न्यू चेंजेस थ्रू द मीडियम ऑफ इन्वेंशंस। हमें पता है कि एजुकेशन की वजह से ही हमने न्यू इन्वेंशंस को क्या किया है, जन्म दिया, क्योंकि जैसे अब अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, फिर आप उस पर प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो, तो कोई न्यू इनोवेशन लीड करेगी। तो इस तरह से एजुकेशन ही है उसके पीछे भी। तो जैसे वी आर ट्रेवल बाय, नाउ वी आर ट्रेवल बाय रेल और बस, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन पास्ट टाइम्स।
So the feeling of untouchability is removed. The rich and the poor are seen seated together. So at such time, education is known as a mother of new thoughts, right? तो इस तरह से न्यू एजुकेशन को हम कैसे देख सकते हैं कि एक नए सोशल चेंज को लाने में एजुकेशन हमारी एक एज अ मदर हेल्प करे. स्प्रेडिंग नॉलेज. एवरी मैन इज़ अ फिलोसोफर, डिज़ायर ऑफ गिविंग मोर नॉलेज. रिसर्च इज़ डन इन वेरियस फील्ड्स एंड नॉलेज ऑफ बाय द पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन. तो अगर रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं तो वो किस वजह से है? थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन. मैनी डॉक्टर्स ईच ईयर कम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड द एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इज़ द मेन कॉज ऑफ द सोशल चेंज. उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है? स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज. डेमोक्रेटिक वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सेकुलरिज्म प्रोवाइड स्टेबिलिटी थ्रू एजुकेशन इन फ्री इंडिया, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये सब क्यों हैं? डेमोक्रेटिक एजुकेशन की वजह से ही अपनी एग्जिस्टेंस शो किए हुए हैं. अगर हम बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों के बारे में नहीं सिखाते, दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट अ फ्यूचर जनरेशन नो अबाउट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उसे पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते. अदरवाइज तो लोग जब बसेस वगैरह को बर्न कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, ऐसा इविल इन द सोसाइटी, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इस पर व्यू देते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, वो किसकी वजह से दे रहे हैं? वो सोशल चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों के पास वो एजुकेशन है जिसकी वजह से वो सही और गलत के बीच का फ़र्क तय कर पा रहे हैं. ठीक, तो ये था हमारा रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज. ये हमारे पास क्या है? टू बिलीव इन सोशल चेंज. टीचर का क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले उसे भरोसा होना चाहिए कि सोशल चेंज आ सकता है. दिस इज़ परहैप्स अ फोरमोस्ट फंक्शन. इट शुड हैव फेथ इन द फैक्ट दैट इज टू शर इन पॉजिटिव सोशल चेंज. हिज ड्यूटी इज़ नॉट ओनली टू टीच, ही इज़ टू लीड टू ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज. उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि सिर्फ उसका पढ़ाने का काम नहीं है टीचर का, उसका काम है सोसाइटी के अंदर चेंज लाने का थ्रू द थिंकिंग. ठीक, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ही कंसिडर हिमसेल्फ फिट एंड वर्थी ऑफ इट. एज सच टीचर शुड बी एक्सपोज टू मास मीडिया एंड बिगर वे टू एजुकेट हिमसेल्फ थ्रू देम द नेक्स्ट जनरेशन. एंड अगर टीचर खुद को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एजुकेट कर रहा है तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी उसी वे में एजुकेट करेगा. द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज एंड हेल्प टू यूज़ रेडियो, टेलीविज़न, दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू गिव सजेशन फॉर चेंज. वो सजेशन दे सकता है कि ये बदलाव होना चाहिए. आफ्टर इज कमिटेड दैट पीपल टू किम फॉर द चेंज, टीचर शुड नॉट हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड. राइट, उसके बाद हमारे पास क्या है? आफ्टर ही इज़ कमिटेड दैट पीपल टू हिम फॉर द चेंज, द टीचर शुड नॉट हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड विद द सजेशन टू ब्रिंग सोशल चेंज. तो टीचर को भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए अपने व्यूज़ या अपने पर्सपेक्टिव्स सोसाइटीज के साथ शेयर करने में कि ये चेंज हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है. राइट, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टू वेलकम द चेंजेस. That he should welcome the new social changes other than giving suggestion only. He is to encourage adult education, women education, education for Harijans. He should not only welcome them but also participate in those kind of activities. He should be active enough and come forefront, even visit the house of pupils to know their difficulties. तो इस तरह से वो new changes को welcome कर सकता है. वो सिर्फ suggestion ना दे, वो उसमें active role play करे. That is the role of teacher. To remove obstacles in the way of social change. जो भी social change अगर हमें लगता है कि वो सही है, as a teacher हम feel कर रहे हैं कि वो सही है, that we have to try to remove as much as obstacles from the path of that change so that it implement in the society. Government wants to bring social change by implementing family planning. तो अगर government कोई भी rule implement करना चाह रही है और उसे लगता है टीचर उसे कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये होनी चाहिए, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए उस थॉट को लेके. राइट, तो इस दिस सम हाउ हेल्प्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, टू चेंज, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी. तो इस तरह से टीचर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है टू रिमूव दैट ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ दैट सोशल चेंज. टू एनालाइज सोशल चेंज. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एनालाइज करना सोशल चेंज को. टीचर इज़ टू एनालाइज द सोशल चेंज एंड अनडिजायरेबल सोशल चेंज हैव टू बी सप्रेस.
तो जो हमारा अनडिजायरेबल सोशल चेंज है उसे सप्रेस करना चाहिए. टीचर इज़ टू स्पीक अगेंस्ट दोज चेंजेस. समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग अनडिजायरेबल चेंजेस. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंडली कोई भी चेंज आ रहा है तो एक्सेप्ट और ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को परसुएड करो कि ये चीज़ होनी चाहिए होनी चाहिए. आप पहले उसे गो थ्रू करो दैट वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आस और नॉट. तो अगर आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल नहीं है तो देन ओपनली क्रिटिसाइज एज वेल. तो टीचर का रोल ये भी है कि अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है देन ओपनली क्रिटिसाइज ओवर दैट. उसके बाद नेक्स्ट है व्यू ऑफ जॉन डेवी. ये हमारे पास व्यूज़ हैं टू प्रपेचुएट द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. टीचर एग्जामिन द एग्जिस्टिंग कल्चर ऑफ द सोसाइटी एंड ट्राई टू मेक इट फॉर द लॉन्गर टाइम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करे वो पॉजिटिव चेंज. ही हैज़ टू सुजेस्ट लाइन्स अलॉन्ग विथ विच वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैव टू बी रिमूव्ड. ऐसी लाइन्स सुजेस्ट करनी चाहिए जिससे हमारे जो रूढ़ीवादी या ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं वो रिमूव हों. ऐसे इफेक्टिव हमारी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीचर के पास. नेक्स्ट है हमारे पास व्यूज़ ऑफ जॉन डेवी. टीचर का व्यू बता रहा है टीचर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन अ सोसाइटी. स्कूल इंस्पेक्टर्स आर नॉट क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ टीचर बट टू हेल्प इन इम्प्रूविंग हिज वर्क थ्रू सिंपथेटिक सजेशंस. उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ द टास्क ऑफ टीचर टू एजुकेट फॉर चेंज, टू एजुकेट थ्रू चेंज और टू एजुकेट फॉर ऑर्डरली प्लान्ड रेवोल्यूशन. If necessary to educate through more disruptive revolutionary action. ये हमारे पास दो perspectives हैं, इनमें से कुछ भी कोई भी आप कर सकते हो. That's all about this video. इससे हमारा unit 3 क्या हो गया, finish हो गया. Thank you so much.